पुलिस वालों ने मुझे सहायता की सर। जितने पैसे थे उतने जब तक के खाए? मंदिर में प्रसाद बांट रहे थे वहाँ पे खाना खाए सर। एक ही बार मिला 5 किलो चावल 500 बस एक महीने में। वास्ते सोमवार दिन था सर, मैं 20 तारीख को निकला हूँ और उसी रात को 7:30 बजे मैं निकला हूँ वहाँ से। और रास्ते में मेरे साथ में कुछ साधन नहीं था, मगर कुछ लोगों ने बोले कि सामने चल के देखो आपको ट्रक मिलेगा या कुछ ऑटो वाले सहायता कर रहे हैं इस प्रकार से। तो मैं फैमिली है, मेरी फैमिली है पूरी, ये मेरे बहू मेरी भाई बहू है, मेरे पूरे 8 परिवार हैं यहाँ पे, मेरे ही रिश्तेदार, मैं उनको साथ में लेके मैं वहाँ से निकला। निकलने के बाद में मैं कोमपल्ली आया, कोमपल्ली से फिर और पैदल आया। पैदल आने के बाद में मंदिर में प्रसाद बांट रहे थे वहाँ पे खाना खाया सर। फिर उसके बाद में थोड़ी दूर गए, फिर बच्चों को छोटे केला दिए, सेब दिए, अंगूर दिए। उसके बाद में फिर हम चलते गए चाय नाश्ता करते हुए रास्ते में मिला। उसी प्रकार से मैं कंट्रक्टर के पास गया, वहाँ पे ट्रैक्टर मिला रास्ते पे, ट्रैक्टर से मैं फिर भंडार आया सर। मैं अपने को जहाँ तक के मिला वहाँ तक के राशन खाया, सुअल हो गए, सुअल की सब पैसे भी मिले, परेशानी कुछ नहीं रही। इतनी में हमारी वहाँ पे कुछ रहने की व्यवस्था गड़बड़ होने लगी तो हम बोले निकल जाते। मैं बालाघाट किरनापुर नेवारा जा रहा हूँ सर। मैं ज़्यादा दूर तक के तकलीफ नहीं करवाया सर, मैं बीच में हाथ मारते गया, गाड़ियों को लिफ्ट मांगते गया, 8 परिवार को मैं साथ में लेके मैं मार्शल या उसी से भी मैं मेरी बहू को अपने साथ में परिवारों के साथ में चल के यहाँ तक के पहुँचा मुश्किल से सर। वो मारा में मुझे पुलिस वालों ने वहाँ पे खाना वगैरह दिलवाया रात के 11 बजे। उसके बाद फिर इधर आया हम जो सोमवार के दिन निकले हैदराबाद से, थोड़ा पैदल चले 60 किलोमीटर दूर, फिर वहाँ थोड़ी देर रुके एक रात, फिर वहाँ से और पैदल चले ट्रक मिला आधे दूर तक नागपुर तक, फिर ट्रक में आए, फिर वहाँ से भंडारा आए ट्रक से, ऐसा चेंज करते करते आए। लेकिन तकलीफ नहीं है, सब सुविधाएँ मिल रही है, पैसे थे उसके जब तक के खाए, एक ही बार मिला 5 किलो चावल 500 बस।